हेलो दोस्तों, दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी हम यही हैं अपना ससुराल में ही, और आज सोच रहे हैं हम भी जाने का। और अभी हम लोग नाश्ता पानी कर लिए हैं और अभी सोच रहे हैं थोड़ा बगान में कुछ लगाई है सोनी का मम्मी पापा सब, तो वही अभी जाएंगे हम लोग देखने के लिए क्या किशु। और सोनी परी सब कोई चल गई है, किशु और हम खाली है। और यहाँ देखिये किशन इधर है और हम है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं देखने वहाँ क्या क्या लगा है क्या किशन। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए सब कोई आया है, लहसुन खुदाई कर रहा है। देखिए क्या परी क्या कर रही है, तो मोबाइल पकड़ के कोई लहसुन खोदता है। परी का काम है था कि हम देखिए यहाँ टमाटर भी बहुत हुआ है, देखिए इतना सारा है पूरा। अभी सब खुदाई कर रहा है मिल के। क्या बोली सोनी? किशन को खोदवाओ। किशन एक बार खोदो तो बहुत टमाटर है। अरे नहीं ऐसी करो, टमाटर को जो जो जिसका जिसका टूटल है ना उसको खाने के लिए रखना, बाकी को सुखा लो बाद में। लहसुन खोदने आए हैं और सोनी इधर चुन रही है, हम खोद दे रहे हैं ना सोनी। देखिए फर्स्ट क्लास निकल रहा है। काफी दिन बाद किशन को पापा को ये काम करने का मौका दिया गया। मस्त यहाँ है लहसुन, देखिए किधर। चलिए हो गया आपका। यहाँ कितना बड़ा बकरा, यहाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा बकरा है, देखिए सब शादी के लिए। सिंह मरता है क्या? देखिए लड़ाई करता है, बहुत बड़ा बकरा। उसका तो पूरा दिया लग रहा था, कहाँ तक कोड़ा लगा। देखिए लड़ाई करने चाह रहा है, सिंह मारने के लिए रेडी है, खुदाई कर रही है। आज पूरा लहसुन हम लोग खोद के ही ले जाएंगे, देखिए कितना सारा। क्या बोली? खाने के लिए ले। ओ अपना प्लान में है। करेंगे तो कोई खाने के लिए थोड़ी देगा बिना मेहनत का। हाँ ठीक है, मेहनत करो। तो दोस्तों अभी लहसुन का खेत से आने के बाद अभी हम लोग नहा धो के, देखिए अभी हम चुन रहे हैं चावल, क्योंकि हम लोग का घर में अभी बनेगा चावल का छिलका रोटी, क्योंकि काफी दिन से अभी खाए नहीं है, तो हम सोच रहे हैं बना के खाएंगे। और इधर इतना ज्यादा गर्मी हो गया है, बहुत ज्यादा अभी हम लोग को गर्मी लग रहा है। तो अभी हो रहा है लगभग 4 बज रहा है और हम लोग सब अभी आंगन में बैठे हुए हैं, बाकी कोई कोई सब अपना अपना काम में बिजी है। और आप लोग को बता दें कि किशन का पापा अभी वापस घर चले गए हैं, उसी दिन ये वापस चले गए थे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ रुके हैं क्योंकि अभी किशन परी का स्कूल का छुट्टी है, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग सोचे कुछ दिन रह लेते हैं, फिर हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ पे हम चावल वगैरह बनाते हैं, फिर अभी शाम में कुछ कुछ होगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीपा दीदी झाल मुड़ी बनाई है, सबको बांट रही है। इतना सारा झाल मुड़ी बना है क्या परी? और नानी घर में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और गर्मी? गर्मी अच्छा नहीं लगी। पूरा लाल हो गई परी साइकिल चला चला के, है ना? हाँ। चलो परी खा के बताओ कि झाल मुड़ी कैसा बना है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा छिलका रोटी बन रहा है, यहाँ दीपा बना रही है। और क्योंकि दीपा शायद हमसे ज्यादा पतला पतला बना लेती है ना दीपा। हाँ। अभी एक बना है, अभी बनना स्टार्ट हुआ है और आप लोग को दिखाते हैं कि सब्जी में क्या बना है। तो देखिए यहाँ पे बन गया है भिंडी का सब्जी और इधर अभी चावल का छिलका बनेगा। अभी परी को भी बुलाएंगे बनाने के लिए, देखते हैं परी कोयला चूल्हा में बना पाती है कि नहीं। इधर दिखाओ परी। तो यहाँ देखिए छिलका का रोटी बन गया है, दीपा लगता है अच्छा से रोटी बनाने सीख गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी परी रोटी बनाने के लिए रेडी हो चुकी है, देखते हैं इसको बनाने आता है कि नहीं, क्योंकि घर में तो बना ही लेती है।
हाँ आ गया परी को रोटी बनाने रे, है ना? आ गया परी हाँ? हाँ। या और यहाँ देख सकते हैं इतना सारा चावल का पेस्ट पीस के रखा हुआ है, अभी इतना सारा रोटी बन गया है और अभी बन रहा है। और इधर किसान उठ के बैठा हुआ है और यहाँ पे मिठू मिठू मिठू, क्योंकि हम लोग के साथ साथ नानी घर मिठू भी घूमने आया है। और इधर देखिए पूरा मौसम खराब हो चुका है क्योंकि अभी होने वाला है क्या किशन, बारिश। और यहाँ देख सकते हैं अभी परी रोटी पलट रही है, देखते हैं इसको पलटने आता है कि नहीं। इतना लेट से करेगी तो जल जाएगा, कोयला वाला चूल्हा है ना। ये क्या हो रहा है परी हा? तो यहाँ पे परी से तो नहीं हो पाया इसीलिए दीपा अभी कर दे रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम दतवन करने आ गए हैं, क्योंकि गाँव में तो आप सभी को दतवन मिलेगा, ब्रश तो अभी उतना मिलेगा नहीं। तो अभी देख सकते हैं मतलब कि दतवन करने से मुंह भी अच्छा होता है, दांत भी अच्छा ही होता है। तो हमें एक चीज़ आपको दिखा दे कि हमारे गांव में मतलब हम मेरे गार्डन में बहुत सारा चीज़ मेरे भैया उगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अमरूद का पेड़ है, अमरूद नहीं अनार है। हाँ भाई अनार है और काफ़ी सारा अनार इसमें लगा हुआ है और अभी लगे रहे। हाँ एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए ये है मौसमी का पेड़ और कितना छोटा में इसका फल गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मौसमी का पेड़ इतना छोटा है, आप लोग साइज देख सकते हैं और इतना छोटा में इतना छोटा छोटा मौसमी फला है। हमको तो नहीं लगता है कि ये अभी संभाल पाएगा ना परी यहाँ पे आ रही है। हाँ तुमको दतवन करके कैसा लग रहा है? थोड़ा दिन हो गया है, बहुत दिन हो गया यहाँ पे और जाने का मन भी नहीं कर रहा, तो दतवन डेली करते हैं तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर जाने का मन है कि नहीं? नहीं है? नहीं। तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? खुलेगा तो जाना ही पड़ेगा। तो अभी हम भी ले चुके हैं, ये ऑर्गेनिक दतवन है और हम लोग का यहाँ झारखंड में इसको बोलते हैं करंज का जो पेड़ होता है उसका दतवन है। तो ये काफ़ी तीखा तीखा होता है, तो हम लोग को तो रुकना नहीं था इसीलिए हम लोग ब्रश वगैरह कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो अभी हम लोग को इसी से काम चलाना पड़ रहा है और अभी देखते हैं अभी कितना दिन यहाँ रुकेंगे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। और किशन का पापा तो अकेले हैं और पता नहीं अकेले अकेले वो क्या कर रहे हैं, हम लोग को ये भी नहीं पता है क्या परी। और अभी हम लोग काफ़ी बिजी थे इसीलिए हम लोग दो तीन दिन कुछ वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं और वीडियो डालने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी अभी चलिए दतवन वगैरह करते हैं, उसके बाद नहा धो के पूजा वगैरह करेंगे। फिर आज थोड़ा सा सोच रहे हैं मार्केट जाने के लिए, क्योंकि यहाँ हमको मार्केट में भी थोड़ा काम है, बाकी देखते हैं। तो चलिए ब्रश करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो गाइज मेरा ब्रश हो चुका है और ये देखिए ये कैची का पेड़ है, आप सभी बताइएगा। इस बार हम आपको नहीं बता रहे कि ये कैची का है, देख सकते हैं इसमें ऐसा फल उगता है और इसमें कहीं कहीं कांटा भी रहता है। और हम लोग इतना बता देते हैं कि हम लोग इसको खाते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस कैची का पेड़ है। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कि टमाटर भी है, लहसुन है कि प्याज है पता नहीं। और वहाँ पे देखिए छोटा सा कटहल का पेड़ हुआ है। तो परी अभी यहाँ से टमाटर तोड़ के जाएगी और हमारे बाबू साहब को देखिए कैसे बरस करते हैं, ये टूल वगैरह लगा के पूरा फुर्सत से ना किशन। तो चलो परी अभी नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों नहा धो के तो पूजा पाठ करके मेरा नाश्ता वगैरह भी हो गया है, अभी दोपहर का टाइम है तो हम आए हैं किचन खाना निकालने। और परी को देखिए घर में तो करती है, यहाँ भी चालू हो गई है। यहाँ देखिए अभी अपने लिए चिप्स छान रही है, इसको हम मना कर रहे हैं कि अभी मत खाओ करके, लेकिन मान नहीं रही है। हम बोले कि अभी शाम में देंगे तो बोल रही है जब मेरा मन होता है तभी हम बना के खाते हैं। सुबह रोटी भी बना रही थी, अभी चिप्स भी छान रही ना परी। हाँ। इसको ये सब करने में मजा आता है। तो चलिए अभी है दोपहर का टाइम है तो हम लोग सब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम, दोपहर में तो खाना वगैरह खा कर हम लोग सब सो गए थे और परी को देखिए कहाँ बैठी है। परी का वो जगह फेवरेट है और अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा क्योंकि थोड़ा सा इधर मौसम खराब है और शाम का भी टाइम हो गया है। तो अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या वीडियो बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि अभी किशन का पापा तो नहीं है और अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो हो कुछ कुछ बना के डालने। और वैसे मेरे पास अभी फ़ोन भी नहीं है कि हम वीडियो बना कर डालें, ये तो हम किसी से ले कर थोड़ा थोड़ा क्लिप है जो बना रहे हैं। बाकी किशन का पापा तो आप लोग को पहले ही बताएं कि वो घर चले गए हैं क्योंकि उनका ज़रूरी काम था, इतना दिन तो वो यहाँ रह नहीं सकते हैं।
बाकी हम भी अभी देखते हैं किस दिन अभी घर जाना होता है। और चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।